हेलो गाइज, नए ब्लॉग में आपका स्वागत। गाइज आज अपन चल रहे हैं ज्वार बीजने के लिए। आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बुआई की जाती है। कुछ लोग 95% तो जानते होंगे मेरे हिसाब से, पता नहीं, लेकिन मुझे सिटी वालों का कुछ नहीं पता रहता है। आज ज्वार बोई जाएगी, जैसे कि पशुओं के लिए चारा होता है ज्वार, गन्ने की तरह आता है वो, राजस्थान में सीकर ज़िले से खाटू श्याम जी के पास है। कुछ लोग इधर आते भी हैं, वो तो जानते होंगे ज़रूर, देखते रहिए साथ। चलो आपको दिखाते हैं। दोस्तों अपन देख लो, ज्वार बीजने के लिए ये जिंक सुपरफास्ट है, ये ले आए हैं। अभी इसको यूरिया और इसको मिक्स करेंगे। पहले इसको बीजना पड़ेगा, फिर आपकी भाषा में मुझे पता नहीं क्या बोला जाता है, फिर मैच देनी पड़ेगी। मैच बोलते हैं, शुमार बोलते हैं, इकसार करना मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो देखना, आप इसको मिक्स करते हैं पहले, फिर इसको पेटी में डालते हैं कल्टीवेटर में, और फिर बिजाई करेंगे। पहले इसकी बिजाई होगी, फिर मैच लगेगी, फिर ज्वार बीजी जाएगी। साथ बने रहना जरूर, दिखाता हूँ आपको पूरा वीडियो। ये तैयार हो चुका है, इसको पेटी में डालते हैं। देख लो भाइयों, पेटी के अंदर बीज बीज सभी डाल दिया है मैंने। ट्रैक्टर लाते हैं अपना, फिर स्टार्ट करेंगे इसको बिजाई को। देख लो, ऐसी पेटी होती है हमारी। भाई जी अपन ले आए हैं ट्रैक्टर, देखना ये अपना मेसी ट्रैक्टर। आपको इसका वीडियो नहीं दिखाया, मैं आपको पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा इसका, ये कितना पहले का है, कैसा है। बिजाई बहुत अच्छी करता है, लेकिन ये
आपको दिखाता हूँ, मैं कल्टीवेटर लगाता हूँ पहले। देखो गाइस, अपन अब लगाते हैं इनको। हम यहाँ पे इनको हल हल गलाना, जोड़ना ऐसे बोलते हैं, आपकी भाषा में जोतना भी कहते हैं। ये लो गाइस, कल्टीवेटर लग चुके हैं। ये टापलिंग और लगा दी जाती है अभी, इसको टापलिंग बोला जाता है। एक बार के लिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। ये लो लगा दिया है कल्टीवेटर, अब ज्वार बीजने के लिए निकलते हैं। अभी पहले यूरिया और डीएपी बीज दें एक बार। नंबर तो लगाते हैं अभी, नंबर 6 लगा देते हैं, 5 लगाएं एक बार। ये लो 5 नंबर लगा दिए, देखते हैं कितना बीज पड़ता है और कितना नहीं पड़ता। तक है काम, ये अपना मोती है, बहुत अच्छा डॉगी है ये, चलेगा। ये सामने बाजरी है, इसके पास में बीजेंगे अपन ज्वार। बहुत से लोग बोल रहे थे भाई आप अपने किसानी क्षेत्र के जो भी वीडियो हैं ट्रैक्टर के वो डालें, कैसे बुआई करते हो, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है खेती से संबंधित। दोस्तों ये लास्ट आटा रहा है अभी, अपने पूरा डीएपी बीज दिया है अभी, देख लो ये पीछे चल रहा है। ये देख लो आपके सामने, फाइनली लास्ट आटा आ गया। बस ये रहे हैं लास्ट के दो आटे, इसको शिटोड़ा बोला जाता है, और अब इसके बाद मैच देंगे, देखना आप भाइयों। अपने जो अभी डीएपी व यूरिया बीज के आ गए हैं, और अब यहाँ पे देखो सिंवार बांधेंगे, फिर इसको इकसार करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। ये होती है शिवार, देख लो इसको बांधेंगे, फिर उसके बाद शिवार को बीजा जाएगा। दोस्तों बहुत कष्ट होता है, ये महंगाई और ये डीजल, देख लो कितना महंगा पड़ रहा है आज किसान के। ये कंप्लीट हो चुका है, देख लो कुछ रहा है जो गिर जाएगा बार बार में चल के। आगे दिखाते हैं आपको, एक बार मैं इसको बांध लूं। मैच देने से पहले एक काम और करना पड़ेगा, देख लो
मेरे प्यारे प्रिय प्रिय भाइयों, आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसको धोना पड़ेगा, उसके बाद होगा। अब इसके अंदर ऐसे ज्वार नहीं बीजी जा सकती, तो इसको पहले अपन धोते हैं। ये क्या है, चिप जाता है, इसको पकड़ लेता है इसको, तो ये बाहर नहीं जाता। फिर अभी भी साफ नहीं हो रहा है पूरा। देखो ऐसा क्या मटेरियल आता है ये। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी तरफ किस प्रकार की पेटी होती है, क्या ऐसे ही बुआई की जाती है क्या। हमने इसके अंदर ऑलरेडी पिलाऊ और हरा काट चुका थे पहले। ये अपने पशु को पानी पाने का उदा है, प्योर वाइट कलू गेयर रखी है इसमें। फिर चलते हैं। ये मोती सो रहा है, मोती बहुत गहरी नींद में सो रहा है, नाइट ड्यूटी देता है ना, इसलिए नाइट में जागू रहता है, दिन में सोता है, पहरा देता है पहरा। ये लो कंप्लीट, ऑलरेडी साफ हो चुकी है। ये अपनी बकरी है जो लूंग खा रही है। अब चलते हैं शिवार देने के लिए। भैया शिवार बांध दिए, अब चलते हैं। देखो देखना आप साथ में रहना, कैमरामैन।
गाइस अपन दे दिए हैं मैच वैच, अब करेंगे ज्वार की बिजाई। देख लो आपको दिखा के लाता हूँ मैं, कैसी लगी मैच जरूर बता दियो कमेंट में, अपना अपना राज्य को नाम लिखकर कि ये प्रकार से थे देव हो गए। गाइस ये दिए मैंने 2 किलो, दोस्तों देख लो कैसी लग रही है आपको। थोड़ी देर बाद में ज्वार बेचते हैं, फिर आपको दिखाएंगे वीडियो पूरा। भाइयों अपन अब बेचेंगे ज्वार, देख लो ये आती है, इसको अभी पेटी में डालते हैं और फिर मैं खुद नहीं बेचूँगा, पापा जी से, पापा जी को बोल दिया है, पापा जी बेचेंगे। देख लो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से, दूध की चरी बोला जाता है इसको। देख लो भाइयों पापा निकल गए हैं अभी बिजाई के लिए, पहला आटा शुरू हो गया है, थोड़ी देर में पूरी बीज देंगे, इतनी 2 लाइन बीजनी है, इस प्रकार से बीजा जाता है। देखो बहुत ही अच्छे उम्रे निकल रहे हैं, हम इसको उम्रा बोला जाता है हमारी भाषा में, आप कमेंट करके बताना आपकी भाषा में क्या बोला जाता है। यह 9 हल की पेटी है, बहुत ही अच्छा बीज पड़ रहा है, देख लो ये मेसी ट्रैक्टर 87 मॉडल, इसकी लिफ्ट बहुत ही शानदार आती है, इसको एक जगह स्थिर रखे बीजा जा सकता है। ये इधर मेरा भाई है, उधर भाभी जी है, भाभी जी चारा काट रहे हैं उधर। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग नहीं और दिखाने की कोशिश करूँगा, सभी ब्लॉग ज़्यादातर मेरे किसान भाइयों से जुड़े हुए ब्लॉग होंगे। धन्यवाद।